मस्जिद के पास, सभी सिगरेट में। ये है जमजम का बिरयानी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और बाकी मत दे, पूरा घोट लिया बताओ। अरे पागल, घोट लिया और हनी करेगा गुटका। क्या हो गया भाई? भाई चाय पिला यार, स्टेशन पर तो साहब लगता बकरी का बोलते ना। आप भी बिल मांगो, इसके तो डिस्काउंट मिलेगा। बिल मतलब छोड़ दीजिए। तो भाई साहब ट्रेन हमारी पहुंच चुकी। जी हाँ भाई, भाई कुछ बोल, कहे नहीं रो, मुँह लटकाए का है वैसे, है कुछ बोलो। दोस्तों जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको लकी जेट गेम के बारे में बताऊंगा, जहाँ से मैं लगातार कुछ ना कुछ पैसे अर्न करते रहता हूँ। आप लोग पूछते ना भाई, आप इतने पैसे कहाँ से लाते हो जो इतनी ट्रैवलिंग करते हो। तो लकी जेट गेम ये वन विन वेबसाइट का गेम है। अब बहुत इजी है, डिपोजिट बहुत इजी में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी किसी भी UPI में पेटीएम से कर रहा हूँ, मैंने 3000 जमा कर दिया है। और बाकी चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं अर्न करता हूँ। तो मैं 3000 को दो टर्म में लगाऊंगा, ठीक है, 1500 करके। चलिए, और मैंने लकी जेट को चूज कर लिया, ठीक है। और चलो स्टार्ट। अब ये साइट खुल रहा है, यस यस, ओपन खुल चुका है। चलिए देखिए अब मेरा कैसा लक है, मैं जीतता हूँ या हारता हूँ वो भी आपके सामने दिखाता हूँ। और ये स्टार्ट, और ये लकी जेट उड़ना शुरू हो गया। या 2500, या 3000, या 5625 भाई। और बस, और इसमें सबसे अच्छा क्या है ना, विड्रॉल भी बहुत ईजी है। मैं आपको जाके अपने उस पर विड्रॉल सेगमेंट में जाना है, वहाँ पे आप अपना UPI डिटेल डाल दीजिए। जैसे मैं पेटीएम से मुझे पैसे निकालने हैं, तो मैंने अपना पेटीएम का पूरा डिटेल डाल दिया। और ये देखिए पूरा पैसे है मेरे, और ये पैसा बहुत ईजी है, आप भी अर्न कर सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, इस वन विन वेबसाइट पर विश्वास कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए और इसी अब मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। और मैं हूँ फिलहाल, जी हाँ, जमजम के पास, और बाहर भी बारिश भी हो रही है झमाझम। जमजम यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, बिरयानी टेस्ट भी किया था, एक ब्लॉग भी बनाया था, बट मिस्टेक से वो ब्लॉग वो जो है डिलीट हो गया, वो ब्लॉग आ नहीं पाया आप लोग के सामने। बाकी यहाँ के जो ऑनर हैं भैया लोग हैं, ये हमें पहचान गए कि ऋषि भाई। तो सर है हमारे, क्या सर नाम है आपका? एहसान अजीज। मिस्टर एहसान अजीज जी हैं, पार्सल ले जाऊँगा। हमारी ट्रेन है अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस, लेकिन मैं इस ट्रेन को बोर्ड करूँगा भोपाल से पटना के लिए। भाई सब देख रहे हैं, हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। इनका एक नहीं दो काउंटर है, एक काउंटर बगल में ही है ना, ये दूसरा काउंटर है इनका। ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भाई साहब किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसके आगे ना खेल है। भाई ट्रेन आएगी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जी हाँ, ट्रेन नंबर 19483 अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस। यहाँ पे इसका टाइम है शाम के 5:45 पे। ऐसा खाने पीने का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बहुत सारे आपके फूड स्टॉल्स हैं, आपको जूस कॉर्नर भी है ना, मसाज चेयर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हालांकि कितनी बार मैंने आपको दिखाया है, बट मैंने कभी मसाज लिया नहीं, आज मसाज लेते हैं। क्या चार्ज है अभी मसाज का? 100 रुपये 15 मिनट के, 100 रुपये। और आगे आगे भी कुछ है? 50 रुपये 5 मिनट के। सर आप करा दो, मतलब पहले 50 रुपये देके 5 मिनट करवा के देखते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिर और बढ़ जाएंगे, क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस लेना चाहिए आखिर ये है क्या चीज़। मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाया है मैंने, है ना भाई साहब, तो लग रहा है दूसरी दुनिया में चले गए हैं भाई, इतना रिलैक्स हो रहा है, देख रहे हैं एकदम। चलो भाई हम भी आते हैं। भाई साहब ट्रेन हमारी आ चुकी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मैंने सोचा यहाँ पे अराइवल देखेंगे इसका, लेकिन मैं मसाज के चक्कर में ना, आज की जर्नी है 3rd AC में, मेरी कोच है 26 और सीट नंबर है 25। भाई ये है अपना, भाई ट्रेन अहमदाबाद से चली है, तो आप साफ सफाई देख लो किस तरह की साफ सफाई है ना।
जी ये है जी अपनी सीट जी 25G है ना। 5 मिनट बिफोर है और यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। 5:45 का अराइवल था, 5:55 का यहाँ पे डिपार्चर। बाकी अभी देख रहा हूँ कोच की साफ सफाई अच्छी है। कल रात मतलब रात के 12 बजे ट्रेन चली है अहमदाबाद से, यानी बीच में साफ सफाई की गई होगी तब तो साफ सुथरा दिख रहा है। चलिए थैंक गॉड इसमें आपको अहमदाबाद बोरोनी एक्सप्रेस में आपको बेडरोल मिल रहा है। चलना है ऑटोमेटिक गेट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, हम लोगों को आदत छूटेगा। तो फिलहाल ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, और ये भैया है ना ट्रेन खुलने का इंतजार कर रहे थे, हम घर तक पहुंचा दीजिएगा। ऐसे ऐसे लोग ना वंदे भारत की तरफ फंसे हैं, आपने देखा होगा। चलिए फिलहाल ट्रेन हमारी रवाना हो चुकी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम। जी हाँ, 5:50 शाम को। गया सभी सब मस्जिद के पास, सभी सिगरेट में वही मतलब मस्जिद है यार, मस्जिद मंदिर ये सब को तो बख्शो, वहाँ भी अपना नशा। जी हाँ, सिगरेट खाली करके क्या भरेंगे, लोग समझ गए होंगे क्या भर रहे होंगे। और ठीक बगल में लगता है कोई हॉकी ग्राउंड है, देख रहे सामने, देखिए वहाँ पे हॉकी ग्राउंड है, लोग हॉकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक सामने। एक वो यहाँ पर वहाँ पर युवा कुछ कर रहे हैं, एक ये युवा जो मस्जिद के पास बैठ के, दोनों युवाओं में कितना फ़र्क है ना। तो भाई साहब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में LHB लग गया यार, मुझे आइडिया नहीं था। जब मैंने जर्नी किया था ICF था। सब वेंडर्स लोग तो इससे तैयारी कर रहे हैं जैसे ट्रेन लगता है रुकेगी, अगर रुकेगी भी नहीं तो इनका तो भाई आदत है, ये तो चलती ट्रेन में भी चढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ट्रेन हमारी 3 नंबर प्लेटफॉर्म से भोपाल जंक्शन को स्किप कर रही है यार, स्किप क्या करेगी, रफ्तार तो बता रही है रुक जाएगी।
टिकट है तुम्हारा? 51। गुटखा खाते हो तो बेसिन में पूरा गुटखा मत फेंकना, लेकिन वो जाम मत कर देना, है ना, कि दूसरे को दिक्कत नहीं हो। कितना उम्र है? इधर आओ। कितना उम्र? इतना गुटखा क्या खाते हो? घोट मत लिया, पूरा घोट लिया बताओ। अरे पागल, घोट लिया और हनी करेगा। गुटखा छोड़ तो ज्यादा अच्छा है। तीखा वाला है? तीखा वाला कंपनी का, लोकल कंपनी का थोड़ी है। डायमंड येलो डायमंड कहाँ का? सादा खाना वो आलू चने की सब्जी, आलू फ्राई सब्जी, दाल चावल रोटी और सादे। और क्या है? बस सादे ही है और कुछ नहीं है। दाल चावल रोटी होगा और खाओ। चिप्स बिस्किट ठीक ही ना? कितना हुआ? 120 रुपये। हाँ, कितने का बिल है वो? कितने का बिल है वो? 120 का बिल ला के दो, मैं दूंगा बिल उसका। वीडियो मत बनाएं, ये देखिए अच्छा काम है। क्या हो गया भाई? ये है जमजम का बिरयानी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और बाकी मिला शैलॉट और ये कुछ चटनी है, लेग पीस। ऐसा ही नाम नहीं है भोपाल में जमजम बिरयानी का। चिकन इतना सॉफ्ट है ना, और राइस बहुत बढ़िया। इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। बिरयानी बहुत टेस्टी था और क्या ही बोले, भोपाल में है अगर आप बिरयानी के शौकीन है तो जमजम बिरयानी बनता है। बाकी मेरी ट्रेन पहुंचने वाली है ललितपुर जंक्शन। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, जी हाँ, ललितपुर जंक्शन। अहमदाबाद से ललितपुर तक 1135 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है, जी हाँ, हमारी बरौनी एक्सप्रेस। टिक्कमगढ़ वाली लाइन से होते हुए, खजुराहो होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे। और एक लाइन झांसी को निकल जाती है, इसलिए इसको ललितपुर को ललितपुर जंक्शन भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग, और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, जी हाँ, प्रयागराज छेव की। और यहाँ पे इसका टाइम था सुबह 7:02 पे, लेकिन ट्रेन हमारे यहाँ सुबह 7 बजे पहुंच गई। मैंने नहीं, मैं हमारी ट्रेन ने अहमदाबाद से प्रयागराज छेव की तक 1783 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। और ये हमारे, क्या नाम है आपका? राम गोपाल जी हैं, और आपको जो भी बेड रोल, जो भी सर्विस दे आपको मिलेगा यही दे रहे हैं। और बहुत ही बातचीत से बहुत ही अच्छे लगे। ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत से जर्नी में, कभी कभी जो स्टाफ होते हैं ना, कर्मचारी होते हैं बेड रोल वाले या हाउसकीपिंग वाले, बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे ये हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। अब कोई को तो ऐसा कभी मिल जाता तो आप समझ ही सकते हैं ना। चलिए, फिलहाल हम और रामगोपाल जी चाय का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा चाय मिल जाए आपको। वैसे ट्रेन के पेंट्री का में चाय मिलना शुरू हो चुका है, बट हम सोच रहे प्लेटफॉर्म से लिया जाए। तो फाइनली एक चाय वाला भाई दिखा था बहुत देर बाद। चुक्कर में देना भाई, चुक्कर में लीजिए लीजिए। अरे भैया, अरे लीजिए लीजिए चाय।
चाय है देखो तुम, गर्म पानी है और वो भी ठंडी। क्या यार, सुबह सुबह कम सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया भाई। चाय पिला यार, स्टेशन पर तो साहब लगता बकरी का बोलते ना। क्या ही बोले, एक नीमा रखने जरा ऊपर रखना इधर। वो तो फेंकनी पड़ गई, बट जो अपने ट्रेन का पैंट्री कार उसका चैज उससे तो बेटर ही लग रहा देखने में। ठीक है बता, ठीक है ट्रेन के हिसाब से ठीक है, उससे तो लागू ना बेटर। चलिए फिलहाल ट्रेन हमारी प्रयागराज से रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे हल्का हल्का देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया बारिश हो रही है। बिल लिए तो बोला भैया तीन चार बार टोक दिए सुबह से, अभी दोपहर में खाने का भी ऑर्डर लेने आया था, इसको जाना है मुजफ्फरपुर। ठीक है तो दोपहर खाने का भी ऑर्डर लेने आया, तो बोले पैसा ले लीजिए कल का बिल दे दीजिए। तो बोला नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए, तुमने दोपहर में खाना ही नहीं खाना ये बोल कितना चला गया। अभी चलो ठीक है आराम से है ना, आप भी बिल मांगो इसके तक डिस्काउंट मिलेगा, बिल ही बोला छोड़ दीजिए मत दीजिए पैसा। चलो अब फिर बिल मांगोगे ना जब भी खाना खाओगे तो कहीं भी है ना। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है दीनदयाल उपाध्याय और ट्रेन देखिए फिर से धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई रुकेगी है ना। अब मैं अच्छा ट्रेन रुक गई थी तब मैं उतरा था, अब ये मत समझिए मैं चलती ट्रेन से उतरा हूँ। ठीक है ये खाने पीने का आपको सामने फूड एक्सप्रेस है, लेकिन वहाँ से मत लीजिएगा, उसको मैंने एक्सपोज किया था, बहुत ही बहियात खाना देते हैं और तमीज़ नहीं है उसके मैनेजर का बात करने का। वो सामने फूड ट्रैक है ना, फूड एक्सप्रेस इंडिया वो वाला। अब मगध एक्सप्रेस जर्नी किया था मैंने, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा किस तरह से वो बिहेव करते हैं। भाई साहब ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी हाँ बक्सर है ना। यहाँ पे टाइम था सुबह 11:15 पे, 11:21 पे आई है, यानी 5-10 मिनट तो यार कोई ज़्यादा यानी, लेकिन ये जो मैंने सुबह बताया था ट्रेन ऑन टाइम चल रही है, जब से भोपाल से चली है रानी कमलापति से ऑन टाइम है, हर जगह ऑन टाइम पहुँच रही है। क्या भाई कुछ बोल, क्या नहीं मुँह लटकाए क्या है वैसे, आए कुछ बोलो। चलिए मिलते हैं आरा स्टेशन पे, पहुंच चुके जी हाँ आरा। और मैं वो सामने एक लाइन देख रहे हैं वो साइड में सबसे राइट साइड में, वो लाइन निकल गई है सासाराम की ओर, पीरो होते हुए सासाराम, इसलिए आरा को आरा जंक्शन भी कहते हैं।
ऑन टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं जी हाँ दानापुर। अब दानापुर से ट्रेन पाटलिपुत्र होते हुए हाजीपुर होते हुए बरौनी निकलेगी और मेरी जर्नी यहीं तक की थी जी हाँ। अब यहाँ से मैं बाई रोड निकलूँगा पटना। बाकी जो भी जर्नी की जो भी एक्सपीरियंस था बोलने क्या जरूरत है, आपने देखा ही है ना, होप आपने इन्जॉय किया होगा। चलिए जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार धमाकेदार जर्नी के साथ, तब तक के लिए सलाम नमस्ते। चलिए नहीं तो हम लोग सर ये